भारतीय जनता पार्टी का आगामी बूथ विस्तार अभियान जनसंघ के संस्थापक सदस्य भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और बूथ विस्तार अभियान में प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ताओं की भूमिका सुनिश्चित हो और अपने सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी भाजपा के मंत्र को हम साकार करें। उक्त बात बूथ विस्तार अभियान के निमित्त आयोजित भाजपा धार सेनापति मंडल की बैठक में जिला उपाध्यक्ष और मंडल विस्तारक नवीन बामनिया ने कही। उन्होंने मंडल में शक्ति केंद्र पर संयोजक सह संयोजक सहित बूथ अध्यक्ष बूथ की समिति पन्ना प्रमुख और सोशल मीडिया प्रभारी की भागीदारी इत्यादि पर बूथ विस्तार अभियान की कार्य योजना को विस्तार से बताया और मंडल अध्यक्ष विपिन राठौर ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि श्रद्धेय ठाकरे जी त्याग और तपस्या का पर्याय है जिन्होंने पार्टी संगठन को एक वट वृक्ष और करोड़ों कार्यकर्ताओं का निर्माण किया। बूथ विस्तार अभियान में हम अपना समय दान करते हुए अपना बूथ सबसे मजबूत करें और यही हमारे नेतृत्व का आधार है। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य ममता जोशी, बूथ विस्तारक अभियान प्रभारी राजेश हरोड़ और भाजपा अजा मोर्चा पूनम चंद फकीरा मंचा सिंह थे। बैठक का प्रारंभ भाजपा के पितृ पुरुष डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और कुशाभाऊ ठाकरे के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके हुआ, जिसमें संगठन गीत महामंत्री राजेश डबी, संचालन महामंत्री पुरुषोत्तम चौहान और आभार कार्यालय मंत्री गौरव जाट ने माना। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। नगर में हम कार्य कर रहे सबसे सौभाग्य का विषय है। प्रदेश में अन्य बड़े बड़े भी अभियान आने वाले थे लेकिन आगामी जो कोरोना लहर को देखकर पार्टी ने सभी आयोजनों को निरस्त कर दिया। चूंकि उनका शताब्दी वर्ष है उनको सच्ची श्रद्धांजलि किस प्रकार से हो सकती थी, तो पार्टी ने विचार किया कि श्रद्धेय ठाकरे जी का ध्येय वाक्य था कि मैं किस प्रकार से किसी भी मेरे कार्य से संगठन का विस्तार होना चाहिए। संगठन के विस्तार की कार्य योजना माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन के अन्य हमारे प्रमुख कर्ताओं ने बनाई बूथ विस्तार योजना। एक सच्ची श्रद्धांजलि हम उनको संगठन का विस्तार करके दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से एक अनुभव योजना बूथ विस्तार की बनी है। अभी तक हमने देखा कि पहले हमारा जिले में कार्य था, जिले से हम मंडल पे आए, मंडल से फिर हमारे शक्ति केंद्र को पलटते फिर हमने ग्राम केंद्र नगर केंद्र पे कार्य किया, नगर केंद्र से फिर वो नीचे हमारा विस्तार हुआ। हमने भगवान दास सबलानी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और पूरे मंडल की योजना बनी। इस योजना के निमित्त मंडल का विस्तारक बने और मंडल के बाद में बूथ के विस्तारक बने, जो लोग बूथ के विस्तारक बने उनको सूचना है। ऐसे ही मंडल के विस्तारक के रूप में हमारे मंडल के प्रभारी हमारे बीच में मार्गदर्शन देने के लिए पधारे और जिनका पहला आगमन हमारे मंडल में हुआ है प्रभारी के नाते, ऐसा नवीन बनाया जी का जोर तरह बूथ विस्तार कार्यक्रम हम सब लोगों को ध्यान में है। हमने जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर बैठ करके पूरा लाइव टेलीकास्ट देखा था। Subscribe now to most exciting channel ever.